हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपका ज्योग्राफी का होगा। किसका होगा? ज्योग्राफी का होगा। और ये ज्योग्राफी का जो है चैप्टर 4 होगा। कौन सा चैप्टर का होगा? तो ये जो है चैप्टर नंबर 4 होगा। जबकि इससे पहले की वीडियो में जो है 1 से 3 तक का ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं, तो उसका भी लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो उसे भी आप देख लीजिएगा। और इस चैनल पे जो है हर रोज़ आपको जो है चैप्टर वाइज जो है MCQ कराया जाता है। तो इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जो है कृषि का कितना परसेंट है? तो इसका जो है 13.7% है। कितना है? 13.7, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कितनी प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य में लगी हुई है? यानी कितना परसेंट जो आबादी है वो कृषि कार्य में लगा हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा 53.8%, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग प्रति भूमि का है? तो कितना प्रतिशत जो है वर्तमान में प्रति भूमि है, जिसपे कोई भी उपज नहीं होता है? तो वो आपका कितना है? 5% है, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है? तो कितना प्रतिशत भाग जो है आपका मैदान है? तो वो आपका 43%। कितना प्रतिशत? 43% भाग जो है मैदानी है, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लगभग 2/3 यानी 2/3 लोगों की जीविका का आधार है। तो 2/3 लोगों का जो जीविका का आधार है वो क्या है? तो वो जो है कृषि है, क्योंकि भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है। कैसा देश है? कृषि प्रधान जो देश है, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट है। नेक्स्ट है, झूम कृषि किस प्रकार की कृषि होती है? तो झूम कृषि जो है ये किस प्रकार की कृषि होती है? तो ये होता है आपका स्थानांतरित कृषि। क्या होता है? स्थानांतरित कृषि। कृषि जो है 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक को कहते हैं स्थानांतरित कृषि और एक को कहते हैं स्थानबद्ध कृषि। क्या कहते हैं? स्थानबद्ध कृषि और स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि कहते हैं, जैसे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा जा के खेती करना, वही कहलाता है आपका स्थानांतरित कृषि। और स्थानबद्ध कृषि कहता है एक ही स्थान पर जो है जब खेती करता है तो उसे क्या कहते हैं? स्थानबद्ध कृषि कहते हैं। स्थानांतरित कृषि में जो है लोग उतना ही समय तक रुकता है एक स्थान पर, जितना दिन में कि ये फसल जो है तैयार हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सोपानी खेती प्रचलित है, यानी सीढ़ीनुमा? तो सीढ़ीनुमा खेती जो है होगा कहाँ? तो सीढ़ीनुमा खेती वहीं होगा जहाँ क्या होगा? जहाँ जो है पर्वतीय क्षेत्र होगा, यानी ढालनुमा इस प्रकार से जो है सीढ़ी की तरह जो है खेती होता है। तो ये खेती कहाँ होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी उत्तराखंड में होगा। कहाँ होगा? उत्तराखंड में, चूंकि वहाँ पर्वत पहाड़ मिलते हैं तो उस पर खेती किया जाता है। तो वो कौन सी खेती होती है? वो जो है आपकी सीढ़ीनुमा खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम खेती भारत में किस भाग में की जाती है? तो झूम खेती जो है भारत के किस भाग में की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पूर्वोत्तर भाग। कौन सा भाग? पूर्वोत्तर भाग। भारत का जो है पूर्वोत्तर भाग, यानी इस साइड का जो भाग है, ये आपका मेघालय मिजोरम आर का भाग, उस साइड में जो है कौन सी खेती की जाती है? तो आपका झूम खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो ये जो है कौन सा दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी रोपण कृषि। कौन सा कृषि? रोपण कृषि जो है बिल्कुल राइट है, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा यंत्र प्रारंभिक जीविका कृषि कार्य के लिए उपयोगी नहीं है? तो कौन सा यंत्र जो है प्रारंभिक जीविका कृषि कार्य के लिए उपयोगी नहीं है? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ट्रैक्टर, क्योंकि उस समय जो है ट्रैक्टर नहीं था। बड़े पैमाने पर खेती ट्रैक्टर से ही होना प्रारंभ हुआ है, जबकि उस समय जो था हल था, खुरपी था, दाल था, तो ये सभी था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, यानी ट्रैक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती रोपण कृषि के अंतर्गत की जाती है? तो रोपण फसल की अंतर्गत कौन सा फसल किया जाता है? तो ये आपका चाय का फसल। कौन सा फसल? चाय का फसल। और चाय को ही जो है पे फसल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पे फसल, यानी पे फसल उसे कहते हैं जिसे हम क्या कर सकते हैं, पी सकते हैं, वो क्या कहलाता है? आपका पे फसल कहलाता है।
जबकि कपास को जो है, कपास को हम लोग क्या कहते हैं, तो कपास को कहते हैं उजला सोना। क्या कहते हैं? उजला सोना। यदि पूछ लिया जाए कि उजला सोना किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं कपास को। जबकि पटसन, पटसन को क्या कहते हैं, तो पटसन को कहते हैं सुनहरा सोना। क्या कहते हैं? सुनहरा सोना। सुनहरा सोना किसे कहेंगे, तो पटसन को कहेंगे, और काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है, तो कौन सा जो है रोपण फसल नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। गेहूं को जो है रोपा नहीं जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि गन्ना, चाय, रबर, इन सभी चीज़ों को जो है रोपा जाता है। कर्नाटक जो है चाय के उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ है, यानी पहले स्थान पर चाय के उत्पादन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, रबी फसल की बुआई किस माह में आरंभ की जाती है, तो रबी फसल की जो बुआई है वो किस माह में की जाती है, तो रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। कब की जाती है? अक्टूबर नवंबर में। तो रबी फसल में जो है कौन कौन से फसल आएंगे, तो इसमें जो है गेहूं आते हैं। कौन आते हैं? गेहूं, 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 गेहूं जो है इनके अंदर आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट है। जबकि इसका कटाई कब होगा, तो इसका कटाई जो है आपका मार्च अप्रैल में होता है। कब होता है? मार्च अप्रैल में, और इसे जो है पानी की आवश्यकता कम होती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है, तो जायद फसल का जो उत्पादन है वो किस मौसम में होगा, तो ये जनरली जो होता है ये आपका गर्मी में होता है। कब होता है? गर्मी में। देखिए जायद फसल में कौन सा आएगा, तो जायद फसल में जो भी सब्जी है, यानी सब्जी से रिलेटेड जो भी चीज़ होगा वो किस में आएगा, तो ये जो है आपके जायद फसल में आएंगे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो दुग्ध उत्पादन में जो है भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है। कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट होगा। जबकि दुग्ध से संबंधित जो है क्रांति कौन सी थी, तो इसमें जो है श्वेत क्रांति थी। कौन सी क्रांति थी? श्वेत क्रांति जो है दूध से संबंधित था, और इनके जनक कौन है, तो वर्गीज कुरियन। कौन है इनके जनक? जो है वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन जो है श्वेत क्रांति के जनक है, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम है, तो ऑपरेशन फ्लड जो है ये किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन फ्लड जो है आपके श्वेत क्रांति से ही संबंधित है। किससे? श्वेत क्रांति से, तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? श्वेत क्रांति हो जाएगा। यानी ऑपरेशन फ्लड क्यों लाया गया था, तो ये जो है दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए, किसके? दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए लाया गया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और चैनल से भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि हर रोज़ जो है आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड टू नामक योजना कब प्रारंभ की गई, तो ये ऑपरेशन फ्लड टू नामक योजना जो है ये कब लाई गई थी, तो ये लाई गई थी 1981 में। कब लाई गई थी? 1981, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है, तो भारत में धान की खेती जो है सबसे अधिक कहाँ होगी, तो पश्चिम बंगाल में, क्योंकि चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल जो है प्रथम स्थान पे है। कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में धान के सिंचित क्षेत्र अधिक मिलते हैं, तो किस राज्य में सिंचित क्षेत्र जो है अधिक मिलेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, गेहूं फसल है, तो गेहूं जो है कौन सा फसल है, तो गेहूं जो है आपका रबी फसल है। कौन सा है? रबी फसल। कौन सा फसल हो जाएगा? रबी फसल। जबकि खरीफ फसल कौन हो जाएगा, तो खरीफ फसल जो है आपका धान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? धान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है, तो गेहूं का जो प्रमुख उत्पादक है वो कौन सा नहीं है, तो ये जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु जो है गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, गेहूँ के उत्पादन में जो है भारत का प्रमुख स्थान कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी द्वितीय स्थान है। कौन सा है? भारत का दूसरा स्थान है गेहूँ उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मोटे अनाज की फसल नहीं है, तो मोटे अनाज का जो फसल है वो कौन सा नहीं है, तो ये जो गन्ना है मोटे अनाज की फसल नहीं है। जबकि ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब क्या है, तो ये सारा जो है मोटा अनाज है। कैसा अनाज है? तो मोटा अनाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? तो ज्वार की सबसे अधिक जो खेती होती है वो आपका कहाँ होता है? तो ये आपका महाराष्ट्र में होता है। कहाँ होता है? महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाजरा की सर्वाधिक खेती कहाँ होती है? तो भारत में बाजरा की जो सर्वाधिक खेती होती है वो कहाँ होती है? तो ये आपके राजस्थान में होंगे। कहाँ होंगे? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि की असफलता का एक प्रमुख कारण है? तो भारतीय कृषि की असफलता का जो एक प्रमुख कारण है वो कौन सा कारण है? तो अनियमित मानसून, मानसून का जो है अनियमित होना, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन दलहन की फसल नहीं है? तो दलहन की फसल जो है इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाजरा। बाजरा जो है आपका दलहन का फसल नहीं है, जबकि चना है, मसूर है, उड़द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान जो है ये कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा जोधपुर, यानी ऑप्शन नंबर ए राजस्थान के जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, तिलहन के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तिलहन के उत्पादन में जो है भारत का प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान? प्रथम, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट है, मूंगफली का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? तो मूंगफली का उत्पादन सबसे ज़्यादा जो है आपके गुजरात में होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसों के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो सरसों के उत्पादन में प्रथम स्थान जो है आपका उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट है, सरसों किस प्रकार की फसल है? तो सरसों जो है कैसा फसल है? तो इसका सही आंसर होगा आपका तिलहन। कैसा फसल है? तिलहन फसल है, क्योंकि उससे हमें तिल प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, चाय का सर्वप्रथम उत्पादक कहाँ आरंभ किया गया था? तो चाय का सर्वप्रथम जो उत्पादन है ये आपका ब्रह्मपुत्र घाटी में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी जो है असम से होकर के आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग सहना किस फसल के लिए घातक सिद्ध होता है? तो ये किस फसल के लिए जो है घातक सिद्ध होगा? तो ये जो है आपका चाय के लिए। किसके लिए? चाय के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट है, हार्वेस्टर और थ्रेसर का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है? तो हार्वेस्टर और थ्रेसर का जो प्रयोग है ये हम लोग पशुपालन में करते हैं। किस में करते हैं? पशुपालन में, चूँकि उससे जो है हमें गेहूं का थ्रेशिंग करने से क्या होता है, चारा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो फसल अनुसंधान केंद्र जो है ये कहाँ है? चेन्नई में है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है राइट है। नेक्स्ट है, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चाय का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो आपका भारत है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो खपत भी करता है तो कौन करता है? भारत करता है, यानी निर्यात बहुत कम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक चाय का निर्यात किस पतन से किया जाता है? तो किस पतन से किया जाता है? तो ये आपका कोलकाता से, यानी कोलकाता बंदरगाह से सबसे ज़्यादा किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी पेय फसल है? तो कौन सा जो है पेय फसल है? तो ये आपका कॉफ़ी जो होगा ये आपका पेय फसल हो जाएगा, यानी पेय फसल मतलब पीने वाला फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक कॉफ़ी की किस्म नहीं है? तो कॉफ़ी का किस्म जो है निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी यूरेबिका। कौन सा? यूरेबिका, जबकि रोबस्ता, लिब्रेरिका और अरेबिका ये सब इसका जो है किस्म है। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर भारत में कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो कॉफ़ी उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी त्रिपुरा है। नेक्स्ट है, भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कहवा का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो आपका कर्नाटक है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है राइट है। नेक्स्ट है, भारत में बागानी कृषि की शुरुआत हुई थी? तो भारत में जो है बागानी कृषि की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1880 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी फसल बागवानी फसल नहीं है? तो कौन सा फसल जो है बागवानी नहीं है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कपास जो है बागवानी फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो भारत में किस फसल का उत्पादन ज़्यादा होता है? तो ये आपका केला, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आम के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आम के उत्पादन में जो है भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये आपका प्रथम उत्पादन है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है राइट है, प्रथम स्थान। नेक्स्ट है, जैम, जेल, स्क्वैश इत्यादि का कच्चा माल क्या है? तो इसका जो है कच्चा माल क्या है? तो इसका कच्चा माल है फल। क्या है? फल, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट है,
भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य है, तो काजू उत्पादन करने वाला सर्वाधिक राज्य कौन सा है, तो वो केरल है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट है, भारत के किस क्षेत्र में गरम मसालों की खेती की जाती है, तो गरम मसालों की जो खेती है वो कहाँ की जाती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दक्षिणी क्षेत्र में। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1983-84, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट है, इनमें कौन सी फसल रेशेदार है, तो कौन सा फसल जो है रेशेदार है, तो ये आपका जूट फसल जो है रेशेदार है, क्योंकि इसके छाल से जो है हम लोग को रस्सी प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है, तो कौन सा जो है रेशेदार फसल जो है आपका नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गन्ना, कौन सा हो जाएगा गन्ना, गन्ना जो है रेशेदार फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास निम्न में से कौन सी फसल है, तो कपास जो है निम्न में से कौन सा फसल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा खरीफ फसल, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट है, कपास का मूल स्थान किस देश को माना जाता है, तो कपास का जो है मूल स्थान कौन सा देश है, तो इसका सही आंसर होगा आपका भारत, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है, तो कपास की मिट्टी के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है वो आपकी काली मिट्टी है, कौन सी मिट्टी है काली मिट्टी, और काली मिट्टी जो है काफ़ी मात्रा में जल सोखती है, क्या करती है जल सोखती है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास के उत्पादन के लिए कितने दिन पाला रहित होने चाहिए, तो कितने दिन जो है पाला रहित होना चाहिए, तो ये आपका 210 दिन, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट है। इससे जो है आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इससे एक भी बाहर नहीं आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उजला सोना किसे कहा जाता है, तो उजला सोना जो है किसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा आपका कपास, कपास को जो है उजला सोना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनहरा रेशा किस फसल का अन्य नाम है, तो सुनहरा रेशा जो है किस फसल का अन्य नाम है, तो ये किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं आप जूट को, किसे कहते हैं जूट, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जूट की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है, तो जूट की सबसे अधिक खेती जो है ये आपका असम में होती है, कहाँ होती है असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है, तो कौन सा जो है खरीफ फसल है, तो ये जो है आपका चावल जो है खरीफ फसल है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो सोपानी कृषि जो है कहाँ प्रचलित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्तराखंड में, कहाँ है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है, तो रबी फसल कौन सा हो जाएगा, तो रबी जो है गेहूं हो जाता है और खरीफ जो है धान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल बोने बढ़ने और पकने के लिए उपयुक्त मौसम वाला समय क्या कहलाता है, तो वो समय जो है क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वर्धन काल, कौन सा काल वर्धन काल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है, तो कौन सा जो है एक फलीदार फसल है, तो ये आपका दाल जो है फलीदार फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका रोपण कृषि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है, तो कौन सा घोषणा करती है, तो वो करती है न्यूनतम सहायता मूल्य घोषणा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है, तो भारत का जो है नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केरल को जो है नारियल प्रदेश कहा जाता है। नेक्स्ट है, हरी चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो हरी चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है आपका सिक्किम है, कौन सा है सिक्किम, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो तिलहन जो है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो वो आपका भारत में होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति की प्रमुख उपज क्या थी, तो हरित क्रांति की जो प्रमुख उपज थी वो आपकी गेहूं थी, कौन थी गेहूं, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो चावल के उत्पादन में जो है भारत का विश्व में कौन सा है, तो विश्व में जो है इसका दूसरा स्थान है, कौन सा स्थान है दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाल किस पौष्टिक अंश का सार है, तो दाल में जो है हमें क्या मिलता है, तो दाल में हमें क्या मिलता है प्रोटीन मिलता है, क्या मिलता है प्रोटीन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट है, आम के उत्पादन में विश्व में कौन सा देश अग्रणी है, यानी आम के उत्पादन में जो है कौन सा देश अग्रणी है, तो वो आपका भारत है, यानी भारत जो है पहले नंबर पे है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो आपका कर्नाटक है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कृषि से संबंधित है, तो कृषि से संबंधित जो उद्योग है वो कौन सा है, तो वो आपका जूट है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वर्ष में दो से अधिक फसलें उगाई जाती है, तो कितने प्रतिशत भाग पर जो है दो से अधिक फसल उगाई जाती है, तो ये आपका 15%, कितना परसेंट, 15, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल क्या है, तो कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल जो है वो क्या है, तो वो आपका कॉफ़ी है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है, तो गन्ना उत्पादन करने वाला जो राज्य है प्रमुख रूप से वो कौन सा है, तो वो आपका महाराष्ट्र है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक फसलों और सब्जियों का उत्पादन कौन सा देश करता है, तो फसलों का सब्जियों का उत्पादन जो है कौन सा देश करता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी यानी भारत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रदेश में बाल एक जीविका फसल है, तो बाल एक जीविका फसल जो है किस प्रदेश में है, तो ये ऑप्शन नंबर डी यानी बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ फसलें किस किस महीने में काट ली जाती है, तो खरीफ की फसल जो है किस महीने में काट ली जाती है, तो ये नवंबर से दिसंबर के महीने में जो है इसे काट ली जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ज्वार का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी महाराष्ट्र जो है पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है, किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है, तो सुनहरा रेशा जो है किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है जूट को, किसे कहा जाता है, जूट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कितनी संख्या कृषि कार्य में संलग्न है, तो कितनी जनसंख्या जो है कृषि कार्य में संलग्न है, तो ये आपका 2/3, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड योजना किस वर्ष आरंभ की गई, तो ऑपरेशन फ्लड योजना जो है ये किस वर्ष आरंभ की गई थी, तो इसका सही आंसर होगा 1950, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी, तो ये जो है 1950 के दशक में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनानास उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, तो अनानास के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, तो ये जो है मेघालय, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम के कोकून के क्या प्राप्त होते हैं, तो रेशम के कोकून से जो है क्या मिलता है, तो हमें मिलता है रेशम, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितना प्रतिशत आय कृषि से प्राप्त होता है, तो कितना प्रतिशत आय जो है कृषि से मिलता है, तो ये हमें मिलता है 24%, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति कब आई, तो भारत में जो है हरित क्रांति कब आई थी, तो इसका सही आंसर होगा 1966, यानी 1960 से जो है 70 के दशक में आया था, तो ये भी ऑप्शन में रहे, तो आप इसे भी टिक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल किस प्रकार की कृषि की उपज है, तो चावल जो है किस प्रकार की कृषि का उपज है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवन निर्वाह कृषि, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस फसल को खेती के लिए बालू भूमि आवश्यक होता है, तो किस फसल के लिए जो है बालू की भूमि आवश्यक होती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कहवा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी फसल है जो खाद्यान्न और चारा दोनों रूप में प्रयोग होती है, तो कौन सी फसल है, तो ये आपका मक्का है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहन प्रणाली कृषि को किस राज्य में दीपा कहा जाता है, तो किस प्रणाली को कहा जाता है किस राज्य में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार में। फिर से देख लीजिए, वहन प्रणाली कृषि को किस राज्य में दीपा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु की गोलगिरी पहाड़ी पर किस चीज़ की खेती की जाती है, तो यहाँ जो है किस चीज़ की खेती की जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी चाय एवं कॉफ़ी। नेक्स्ट है, दूध में लाई गई क्रांति को कौन सी क्रांति कहते हैं, तो दूध में लाई गई क्रांति को सफ़ेद क्रांति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री मछलियों को उत्पादन एवं उपयोग में किस राज्य का स्थान प्रथम है, तो किस राज्य का स्थान जो है प्रथम है, तो ये केरल का है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहन आजीविका कृषि किन क्षेत्रों में की जाती है, तो ये जो खेती है किन क्षेत्रों में की जाती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। नेक्स्ट है, दीपा फालमू आदि किस कृषि के नाम है, तो ये जो है किस कृषि के नाम है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कर्तन दहन प्रणाली।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विश्व में निम्नलिखित में किसका अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है? तो किसका जो है अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है, तो वो चाय का है, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारत विश्व में निम्नलिखित में किसका अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है? तो ये किसका है, चाय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को निम्नलिखित में किस पौधे का मूल स्थान माना जाता है? तो किस पौधे का जो है भारत का मूल स्थान माना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है इसका सी जो है बिल्कुल राइट होगा, यानी कपास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है? तो भारत में किस किस्म की जो है कॉफ़ी उगाई जाती है, तो वो अरेबिका, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने की फसल तैयार होने में लगभग कितना समय लगता है? तो गन्ने के तैयार होने में लगभग जो है आपका करीब 10 महीना लगता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उगाया जाने वाला मोटा अनाज निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मोटा अनाज जो भारत में उगाया जाता है वो कौन सा है, तो वो आपका जो है ज्वार है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की दूसरी मुख्य फसल कौन सी है? तो दूसरी जो मुख्य फसल है वो आपका गेहूं है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है राइट है। नेक्स्ट है, रबी की फसल का बुआई की जाती है, तो रबी का फसल की जो बुआई है वो किस महीने में की जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शीत ऋतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल है। कौन सा है, पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो गेहूं उत्पादन में जो सबसे अग्रणी राज्य है वो कौन सा है, तो वो आपका उत्तर प्रदेश है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन सा है? तो शीतकालीन जो फसल है वो आपका कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी गेहूं जो है शीतकाल में बोया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मूंगफली का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी पंजाब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? तो वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी खरीफ फसल कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो भारत का क्यूबा जो है किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गोरखपुर देवरिया को। नेक्स्ट है, रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? तो रेशम का कीड़ा का जो पालन होता है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है सेरीकल्चर। क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? तो भारत की अर्थव्यवस्था का जो मूल आधार है वो आपका कृषि है, और ये जो है पूरे 113 क्वेश्चन था, जो कि आपका चैप्टर 4 था। किसका, तो ज्योग्राफी का चैप्टर 4 था। इसी प्रकार का जो है रोज़ आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।